शिवाय जय श्री महाकाल हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। ऐसे लोग कभी भी धनवान नहीं बनते, न इनके पास घर में धन आएगा। ऐसे लोग हमेशा परेशानी में बंधे रहेंगे। ये लोग कौन है, इन लोगों के क्या संकेत है, हमें वो पहचानना है। अगर ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं तो उन लोगों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूरी आप बना लें, अन्यथा आपके जीवन में भी वो तकलीफें शुरू हो सकती है। बहुत सारे जातकों के मन में कई सारे प्रश्न धन को लेकर चलते हैं। वो यह बात भी कहते हैं कि हमने हमारे जीवन में आर्थिक रूप से बहुत सी चीज़ें हम फेस करते रहते हैं, धन हमारे घर टिकता नहीं है, आर्थिक रूप से हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो ही नहीं पा रही है, बहुत मेहनत भी करते हैं और उपाय भी बहुत सारे करें, हल भी बहुत सारे करें, लेकिन बहुत से लोगों ने यह चीज़ें करने की वजह से या यह चीज़ें उनकी लाइफ में होने की वजह से बहुत बार तकलीफें होती है। वो कौन सी बातें, मैं इस वीडियो में पूरा आपको विस्तारपूर्वक बताने वाला हूँ। बहुत ही बारीकी से और गंभीरता से जो जो बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इन्हें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे जातकों को ये बातें पता ही नहीं है और बस वो अपने जो उपाय हल करते रहते हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये जो बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, अगर ये आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में भी है जिनके साथ आप रहते हैं, उनसे दूरी बना ले और कुछ मजबूरी उनके साथ आपकी रहना, तो उन लोगों को अपनी लाइफ में उनकी बातों को इतना माइंड पर ना ले, उन्हें अपना आइडल ना माने, मूल बात से समझे, क्योंकि उनका वाइब्रेशन आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है। सबसे पहले वो लोग जो लोगों के घर कभी लक्ष्मी नहीं रहती या लक्ष्मी से संबंधित वो जूझते रहते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। थिंक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ओवर थिंक करोगे, इधर की बातें उधर की बातें मन में बार बार सोचते रहोगे, तो कभी भी आप एक सही डिसीजन पे नहीं पहुंचोगे। और सही डिसीजन पे जब नहीं पहुंचोगे तो आपको धन का हानि होगा, निवेश सही जगह नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के झांसे में आएंगे, आप क्योंकि आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा धन का लॉस आपको होगा, उतना ज़्यादा आपका वाइब्रेशन नकारात्मक होगा, और जितना नकारात्मक वाइब्रेशन होगा आपकी लाइफ में कई सारी परेशानी और बाधाएं बढ़ जाएगी। दूसरे वो लोग, उनके पास कभी धन नहीं रहता, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो महिलाओं को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और तमाम चीज़ें उनके मन में एक नेगेटिविटी रहती है। वो बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि महिलाओं का सम्मान होने मात्र से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, शुक्र मजबूत होता है और जीवन में जितने सारे वैभव हैं वो प्राप्त होते हैं। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति और मानव की गलतियों के कारण उसकी सात पीढ़ियाँ इस चीज़ को भुगतती है। अब बहुत से लोग यहाँ पर तर्क कर सकते हैं कि बहुत से हमारी नज़र में ऐसे लोग हैं जो बहुत ख़राब है चरित्र के, लेकिन उनके पास बहुत धन है। धन भी दो प्रकार का होता है, एक शुभ और अशुभ धन। अशुभ धन रोग, शोक, दोष और कई सारी बाधाएं लेकर आती है। एक व्यक्ति चल रहा है लेकिन उसकी बाधाएं जो है वो बाधाएं आप नहीं समझ रहे और न वो एक्सप्रेस कर रहा है और हम नहीं समझ पाएंगे, तो वो एक अलग सी बाधाओं में है। उन बाधाओं के बारे में आपकी बाधाओं का तो हल भी है लेकिन उसकी बाधाएं और परेशानी का हल नहीं है। इसलिए ये बात कभी भी आप न सोचें ऐसा कि जो लोग ऐसे हैं उनके साथ सब चीज़ें बेहतर चल रही है, वो लोग हमेशा दुखी रहेंगे उनके जीवन में। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि उनके जीवन में हमेशा सडन बदलाव आएगा। ऐसे लोगों का दुर्घटना, चोट, चपेट और ऐसी ऐसी घटनाएं उनके लाइफ में होती है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जो लोग अभद्रता से बात करते हैं, अच्छे से पेश नहीं आते, ऐसे जितने सारे लोग हैं, अगर आपके इर्द गिर्द इनसे दूर हो जाओ, क्योंकि जैसा हम जिस संगत में रहता है वैसा व्यवहार हमारा हो जाता है, सोचने का समझने का नज़रिया वैसा हो जाता है और हम हमारी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। और ख़ासकर बहुत से जातकों का इसी वजह से शुक्र ख़राब होता है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। तीसरा, वो लोग जो हर एक चीज़ों में नेगेटिविटी वाइब्रेशन लेके आते हैं, बस कुछ भी हो उन्हें नकारात्मकता ही दिखाई देती है, सच्ची और अच्छी बातें नहीं दिखाई देती। नकारात्मकता हमें जो अच्छे विचार आते हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो प्लानिंग है, उन सभी चीज़ों पर रोक लगा देती है। तो नकारात्मक लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहने की आवश्यकता है। और नकारात्मक, ये बात भी समझिएगा, आलोचक और नकारात्मक व्यक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है। जो व्यक्ति फैक्ट पर बात करता है, सच पर बात करता है, आपको एक चीज़ें सटीकली बताता है कि ऐसा होने की संभावना या ये चीज़ें हैं, वो आपका आलोचक हो सकते हैं या वो आपको ऑब्जर्वेशन करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। उसे नेगेटिव व्यक्ति ना समझे। नेगेटिव व्यक्ति वो व्यक्ति जो हर एक पल में, हर एक चीज़ों में बस नकारात्मकता ही देखते आ रहा है और नकारात्मकता ही देख रहा है। ऐसे बहुत से लोगों का आप उस बात को समझ जाएंगे। चौथे, वो लोग जो लोग आस्तिक नहीं, ईश्वर पर यकीन नहीं रखते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनका विश्वास ईश्वर में नहीं है,
ऐसे लोग अपनी तार्किक बुद्धि से तमाम चीज़ों को एक इस तरह की नेगेटिविटी और एक ऐसा ब्रेन वॉश व्यक्ति का कर देते हैं कि वो व्यक्ति बेचारा खुद निर्णय नहीं ले पाता सच झूठ क्या है। उसका मन जो है वो कुतर्क में चले जाता है। तर्क अच्छी बात है लेकिन कुतर्क जो है वो अच्छी बात नहीं है, और कुतर्कों में जब हम उलझ जाते हैं तो हम बहुत तकलीफों में आ सकते हैं, क्योंकि विश्वास ही आस्था है, और जितना आपका विश्वास होगा, जितनी आपकी आस्था होगी, उतने ज़्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक परिणाम आपकी लाइफ में दिखाई देंगे। आप में एक बदलाव देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ में बहुत से बदलाव आपने देखे होंगे। जिन भी देवी देवता के प्रति आपका अनंत विश्वास है, श्रद्धा है, उनकी आप पर असीम कृपा है। जैसे हवा हम महसूस करते हैं, उसे देख नहीं सकते, तो वैसे ईश्वर की कृपा, ईश्वर की आस्था हम देख नहीं सकते, बस सिर्फ अनुभव का विषय हम महसूस कर सकते हैं। अगले वो लोग हैं दोस्तों जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, जैसे बार बार पर झूठ बोल देते हैं, किसी व्यक्ति को आपकी चुगली कर देंगे, आपकी बात किसी और को कह देंगे, किसी और की बात आपको कह देंगे, तो ऐसे लोगों से भी बहुत दूर हमें होने की आवश्यकता है। यह लोग हमेशा आपके लिए गड्ढा ही खोदेंगे और इस गड्ढे में आप गिरेंगे बार बार, फिर निकलेंगे और तमाम तरह से चीज़ें ख़राब होती रहेगी। तो मेरा निवेदन है ऐसे लोगों से बहुत दूर हमें रहना चाहिए। अगले वो लोग जो कर्जे के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। देखिए जितना हम चुका पाएँ वो हम कर्ज ले सकते हैं, लेकिन जो कर्ज हम चुका नहीं पा सकते उतना बड़ा कर्ज लेकर हमें क्यों फंसना है। हाँ हमें थोड़ी देर के लिए सुनहरे सपने दिखा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता से वो बहुत दूर होते हैं। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना कि कर्ज लेकर हम हमारी कुंडली में, हम हमारे जीवन में कई सारी तकलीफें खुद शुरू कर देते हैं। कर्ज लें जितनी आवश्यकता उससे भी कम लें, लेकिन कर्ज से हमें बचना है दोस्तों। अगर ये वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो साझा करना, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, वर्तमान जीवन में कोई प्रश्न हो, कोई तकलीफ परेशानी से आप गुजर रहे हैं, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर आए अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पता होना अनिवार्य है। आप व्हाट्सएप के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।